अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं रजब भट साहब के घर, और आई नो किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, आप लोग सब उनको जानते हैं। तो हम लोग बस अभी ऑन द वे, यहाँ से हमने अपने अपने दोस्त को पिक करना है, और हमारे साथ सुंदर की टीम भी है कुछ। कैसे हो, ठीक हो? वो पीछे रमशा भी बैठी है, लेकिन पता नहीं किसी बात से नाराज़ है। खैर, अभी हम लोग पहुँचते हैं उनके घर, आपको उनसे मिलवाते भी हैं, और अभी यहाँ से रस्ते से दोस्त को पिक भी करना है। चले मिलते हैं आपसे। फाइनली हम आ गए हैं रजब भट्ट के घर, अब देखते हैं। मुझे अपनी व्लॉगिंग शुरू कर। फाइनली रजब भाई हमारे साथ हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया रजब भाई, इतनी सुबह सुबह हमने आपको तकलीफ दी है। सॉरी, वो लोग हमसे पहले हैं। थैंक यू सो मच रजब भाई, आपने हमें टाइम दिया और हमसे मिले हैं। बच्चों को भी ले लेना, आप से आपने लास्ट में आना, उनको भी ले लेना बच्चों को। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी साथ हैं, ये चेक करो, ये की हाले जबरदस्त। चलो मैं ना जल्दी चेक कर लूंगा। थैंक यू सो मच रजब भाई। सो भाई, फाइनली रजब भाई से मिल लिया उनके घर से। यार यकीन करो, हिस्सा सच्चा नाइस पर्सन, दिल में घर बना गया। इतने सुबह सुबह उठ के हम उनके घर गए, उन भाई ने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा यार बहुत खुश हुए, और बहुत ज़्यादा अब उनको हमने फोर्स भी किए आने के लिए, सुंदर इंशाल्लाह वो आएंगे भी। और यार उनके पेरेंट्स बहुत लविंग नेचर के थे, वो ख़ुद भी बहुत लविंग नेचर के हैं, तो पता चल गया कि यार उनकी अम्मी अबू की वाकई तरबियत इतनी अच्छी उन्होंने की है कि रजब भाई बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। तो बस अब यहाँ से हम लोग निकले अपने घर, मेरे एक दो काम है वो करने हैं, फिर मैंने जाना है शाम को यार ससुराल, दावत है उधर जाना है। बस फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई साहब, आज हम लोग जा रहे हैं सुंदर फाउंडेशन, और उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि आज उस दिन हमने शायद अपने ब्लॉग में बताया था कि हम रजब भाई के घर गए थे उनको इनवाइट करने हैं, तो आज रजब भाई जो हैं वो सुंदर फाउंडेशन आ रहे हैं। तो जैसे ही आते हैं उनसे मिलते हैं, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जैसे बात उस टाइम नहीं होगा। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। भाई साहब, अभी रजब भाई से हमारी भी बात हुई है, तो वो भी रास्ते में है, तो थोड़ी देर में पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं हम आपकी बात करवाते हैं उनसे। आई थिंक जो टाइम उनके पास इतना नहीं है, तो आपको मिलवाते हैं उनसे, बात नहीं हो पाएगी, बट वी शो आज उनसे कहेंगे भी कि भाई हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दो, लाइक कर दो, या हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर। बच्चे अंदर आपका वेट कर रहे हैं। ये रजब भाई आपके लिए, फाइनली वेट इज ओवर। हमारे साथ रजब भाई, आंटी और उनके भाई और उनके फादर मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। रजब भाई कैसे हो? ठीक हो? ए वन रजब भाई, कैसा लग गया आज का? नहीं, मैंने लगवाना है अभी, लगवाना है जैसे कल लगवाना है बस। मैं अभी रमशा के साथ, मैंने अभी रमशा को बताया था मेरा आज ब्लड है, तो जैसे ही आता है मैंने कहा था जब भाई से जैसे फ्री होगा तब लगवाऊंगा। मेरी रजब भाई, मेरी एज जो है ना वो है 27। ठीक है, करवाइए।
छोटी छोटी सी लगती है वो लगेगी। पहली दफा गए ऐसे खाना शाना खाने कहीं ने फाड़ लिया कहते ने लाइसेंस है। मैं क्यों नहीं अभी अभी तो मैंने गाड़ी सीखी है उनके तो बना लर्नर था कहते थे लाइसेंस दिखाए कि लर्नर है लाइसेंस नहीं है। कहता अच्छा जी कहता तेरी नान भाई है कौन मैं के बेगो मेरी नान बात कोई हो रही है तो मेरे डैडी से बात कर रही बेगम की अपनी 34 है 34 है ना यार 34 सही है यार अच्छी बात। आप क्या एज है रविशा? मेरी 27 दोनों की 27 जी सही है यार उम्र चौर हो आप लोग माशाल्लाह। क्या नाम है चैनल का आपके? हमारे चैनल का जो नाम है वो रविशा अहमद ब्लॉग है। रविशा अहमद ब्लॉग जी। अच्छा जी रजा फैमिली का अगर पैगाम अगर पहुंच जाए तो रविशा अहमद के नाम से इनका चैनल है रविशा अहमद ब्लॉग। इनको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि ये अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सके और एक अच्छे पैसे भी कमा सके। थैंक यू सो मच रजा भाई थैंक यू सो मच। तो ये रिजा भाई से कहा है कि वो केक कट करें आज। गुलाब के फूल है खिड़े बच्चे मुझे इस तरह मुरझाई नहीं अच्छे लगते। पाक पर रोजगार अपने हबीब का सच्चा उसकी आल का सच्चा इन सबको जिंदगी तंदुरुस्ती सलामती दे। इनकी माँ बाबा नहीं कैसे बर्दाश्त करते मुझसे नहीं हो रहा यकीन करना बोला सबको सलामती दे। सब अपनी जिंदगी को इंजॉय करें बचपन को जवानी को अल्लाह पाक इनकी लंबी उम्र करे से सलामती के साथ खुश रहे के साथ। थैंक यू सो मच अजय भाई। अंडरवन सारे काम हो रहे हैं जिसमें हमारा नादरा का आ जाता है पासपोर्ट आ जाता है ठीक है एंड लाइसेंस आ जाता है। वो तो मेरा ख्याल होता है ना स्पेशल पर्सन्स के लिए नहीं होता कोई भी नहीं होता हम ठीक है। हमारी एक जो जिसे कहते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए है कि थैलेसीमिया को वो स्पेशल पर्सन को सीधा भी नहीं करते उनको आईडी कार्ड ही नहीं देते स्पेशल पर्सन नहीं ये होना चाहिए ठीक है क्योंकि ये लोग खड़ा नहीं हो सकते।